नमस्कार। अवंतिका स्टोरीज की ओर से आज जो आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है मिट्टी। प्लीज अवंतिका स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसे आगे बढ़ाएं और मुझे थोड़ा सा बल दें। मेरी एज हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मरने से पहले अपनी कविताओं को, अपने सारी कहानियों को आप लोगों के बीच लाऊं, डिप्रेशन से बचूं और आपको सुनाऊं। कुछ कुछ चीज़ हमेशा दिमाग में कौंधता रहता है, घूमता रहता है और उसमें एक कविता जो है वो है मिट्टी। मिट्टी हमेशा मेरे दिमाग में घूमती है। मिट्टी तो जड़ दिखती है, सांस भी नहीं लेती है, फिर मिट्टी से इतनी चीज़ उपजते कैसे हैं, निकलते कैसे हैं? तो लीजिए, कविता प्रस्तुत है मिट्टी। राख से मिट्टी बनी या मिट्टी से राख, आदमी मिट्टी से बना या मिट्टी आदमी से, अगर आदमी मिट्टी से बना तो रूह फिर किससे बनी? शायद इसलिए आदमी आज आदमी नहीं, क्योंकि मिट्टी सांसें नहीं लेती। लेकिन नहीं, रुके ठहरे, मिट्टी सांसें नहीं लेती तो जिंदगी देती कैसे है? लहराते हंसते खिलखिलाते ये पेड़ पौधे जन्म लेते कैसे हैं? राख से मिट्टी बनी, मिट्टी से राख, या फिर आदमी मिट्टी से या मिट्टी आदमी से, फिर उलझ जाती है ऐ अवंतिका तू, राख से मिट्टी बनी या मिट्टी से राख? आप बताएं, सब्सक्राइब करें और ये जरूर बताएं कि किस चीज़ से क्या बनी, राख से मिट्टी बनी या मिट्टी से राख?